हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाए, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है, क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर मां बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी पर, बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे माँ बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोक ले। मैं देखता हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स ने भी